हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हबानसुल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, पद परिचय प्रकरण लगातार चल रहा है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे जिसमें बहुत से उदाहरण आपको पहले बता भी दिए गए हैं। आज का उदाहरण है राजेश चंचल बालक है। पद परिचय रेखांकित पद है राजेश चंचल और बालक। अतः सबसे पहले पद परिचय किसका करेंगे? राजेश का। तो राजेश किसी व्यक्ति का नाम है और नाम वाले सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत। इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? क्योंकि किस व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु स्थान आदि का नाम हो तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग देखेंगे इसमें, राजेश पुरुष जाति का बोध करवाता है तो पुल्लिंग एक वचन, ठीक है चंचल। इसमें भाववाचक संज्ञा भी है और गुणवाचक विशेषण भी है, कोई भी आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। हमने लिखा गुणवाचक विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? राजेश की विशेषता बता रहा है, ठीक है। हम एक बिंदु आप लिख सकते हैं कि राजेश संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। या दूसरा, इसमें लिंग और वचन भी देख सकते हैं, पुल्लिंग और एक वचन। बालक, बालक किसी जाति का बोध करवाता है तो जातिवाचक संज्ञा। बालक पुल्लिंग शब्द है। एक वचन, ठीक है। दूसरा उदाहरण है मोहन आज घर आएगा। इसमें सब रेखांकित पद हम ज्यादा ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोहन का पद परिचय करवाए तो मोहन का, जैसा कि आप बार बार करते आ रहे हैं, मोहन किसी व्यक्ति का नाम, तो क्या कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। कारक देखेंगे, कौन आएगा? मोहन आएगा। आने का काम कौन करेगा? मोहन करेगा। कौन सी संज्ञा, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। आज, ध्यान से देखो, आज समय का सूचक है तो क्या हो जाएगा? ये कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण जो समय का सूचक है, समय की विशेषता बताता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा बिंदु इसका होगा समय का सूचक है। इसका सूचक है समय का। इसके बाद आता है घर। घर जाति का बोध भी करवाता है और स्थान का बोध भी करवाता है। दोनों में से आप कौन सा लिख सकते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा बिंदु स्थान विशेष का बोध कराता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान विशेष का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं इसमें, आएगा आना क्रिया है। आना क्रिया है तो क्रिया हम दुविधा में है कि अकर्मक कहीं लिखे या सकर्मक लिखे, तो इसमें देखो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। कौन सी क्रिया? अकर्मक। अकर्मक क्रिया पुल्लिंग, क्योंकि मोहन शब्द के साथ ही। एक वचन, आएगा गागेगी भविष्य में, भविष्य में कार्य भविष्य में किया जाएगा। कौन सा काल हो गया? भविष्य का, ठीक है। उदाहरण नंबर तीन, मोहन ने कहा कि
कोई आया है। मोहन ने कहा कि कोई आया है। रेखांकित पद इसमें देखिए, मोहन कहा कि कोई आया है। सबसे पहले मोहन, बार बार आ रहे हैं ऐसे उदाहरण। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग वचन एकवचन। किसने कहा? मोहन ने। बाकायदा ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ने विभक्ति किसके साथ आती है? कर्ता के साथ, कर्ता कार्य। इसके बाद आता है कहा। ध्यान से देखो, कहना क्या ही क्रियापद, कौन सी क्रिया? मोहन ने कहा। वाक्य यहाँ तक सीमित है, पहला जो वाक्यांश है वो यहाँ तक है, दूसरा वाक्यांश है ये की संयोजक अपने हैं, मिश्र वाक्य इसलिए।